हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे असरदार उपाय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टिप्स में मैं आपको फटी एड़ियों से छुटकारा दिलाने का, फटी एड़ियों को नरम मुलायम बनाने का बहुत ही ज्यादा असरदार घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। इसके इस्तेमाल से फटी हुई एड़ियां बहुत ही जल्दी नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन यानी घंटी को जरूर क्लिक कर लें। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आगे भी मेरे नए वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों में अक्सर बहुत सारे लोगों की एड़ियां फटने लगती है, उनमें दरारें पड़ने लगती है जिससे चलने फिरने में तकलीफ होती है। लेकिन मैं जो नुस्खा बताने जा रही हूँ इसके इस्तेमाल से एड़ियों का फटना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और जो एड़ियां फटी हुई है वो बहुत जल्दी नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा चावल का आटा। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल का आटा लेना है। ये मार्केट में भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है या फिर आप घर पर चावलों को पीस करके इसका आटा आप तैयार कर सकते हैं। चावल का आटा बहुत ही बढ़िया घरेलू स्क्रब का काम करता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा नरम मुलायम हो जाती है, साथ ही त्वचा पर जो भी रूखापन होता है वो दूर हो जाता है। इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है शहद। आपको इसमें आधा चम्मच शहद मिक्स कर लेना है। शहद हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और हमारी त्वचा पर ग्लो बनाता है। ये फटी एड़ियों में भी बहुत ही ज्यादा कारगर होता है फटी एड़ियों को नरम मुलायम बनाने के लिए। इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है एप्पल विनेगर यानी कि सेब का सिरका। आपको इसमें एप्पल विनेगर लेना है लगभग आधा चम्मच। एप्पल विनेगर बहुत ही जल्दी त्वचा को नरम मुलायम बनाता है। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। अब आपको इसमें मिक्स कर लेना है बादाम का तेल। आप बादाम का तेल इसमें आधा चम्मच आपको मिक्स कर लेना है। अगर आप बादाम का तेल नहीं भी मिक्स करेंगे तो भी चलेगा। आपको इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको एक गर्म पानी से भरा हुआ टब लेना है। उसमें आपको अपने पैरों को कुछ देर के लिए रख के भिगो ले जिससे फटी एड़ियों के जो भी स्किन है वो नरम पड़ जाए। अब इसे आपको अपनी फटी हुई एड़ियों पर लगाना है और लगा करके 4 से 5 मिनट तक इसे आपको रगड़ना है, स्क्रब करना है। फिर आप इसे 10 मिनट के लिए लगा करके छोड़ दें और फिर से गर्म पानी से अपने पैरों को धो लें। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा करके सॉक्स पहन लें। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करें। आपकी फटी हुई एड़ियां बहुत ही जल्दी नरम मुलायम हो जाएंगी। आपको पहले इस्तेमाल में ही फर्क देखने को मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।